आप लोग आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, 1 to 8 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना बच्चों, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 to 8 एक से आठ तक के क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5 गिवन है। साइन x स्क्वायर प्लस 5 दिया हमें, इसे y एज्यूम कर लेते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, साइन का। तो साइन का क्या होता है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी हम लोग कॉस का डिफरेंशिएशन साइन का किए कॉस, अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 0। 2x पहले आ जाएगा तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग हुआ बच्चों, पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पर एन, एन एक्स पर एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है, सबको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है बच्चों, वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन एक्स। अब कॉस को ढक लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, साइन एक्स। क्या बचेगा, साइन एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अभी कॉस के बाद अब साइन का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन साइन एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों क्या गिवन है, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी चैन रूल से हुआ। अब यहां पे देखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले साइन का डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग एंगल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे ए एक्स प्लस बी। ये भी चैन रूल है, पहले साइन का उसके बाद एंगल का। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और इसका डिफरेंशिएशन है ए इंटू 1 प्लस 0। ए को पहले कर लेते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ क्या गिवन है, वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स गिवन है। सेक टेन रूट एक्स, तो चैन रूल यहां भी अप्लाई करेंगे, पहले सेक का डिफरेंशिएशन फिर टेन का और फिर रूट एक्स का। तीनों का डिफरेंशिएशन करते हैं चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स, सेक टैन रूट एक्स। अभी सेक एक्स यह पूरा एक्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, सेक और यह एक्स फिर टैन, और एक्स की प्लेस पे यही है टैन रूट एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। अब इसके बाद हम लोग टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका बच्चों, टेन का, टेन रूट एक्स का। पहले सेक का डिफरेंशिएशन ये हुआ, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स के प्लेस पे है। उसके बाद अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के लिए कंडीशन है बच्चों, फॉर्मूला ए बी सी डी जैसे याद होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग फार्मूला बार बार रिपीट करें जिससे कि याद हो जाए, सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स, और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है। अभी टेन का डिफरेंशिएशन, अब डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स, और ये हो जाएगा टेन टेन रूट एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का मतलब एक्स पर 1/2, पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1।
वन इक्वल टू वन बाई टू को पहले कर लेते हैं, ए बन जाएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहां बच जाएगा बच्चों एक्स पर माइनस वन बाई टू, चाहे तो इसे नीचे ला करके रूट एक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या गिवेन है, साइन ए एक्स प्लस बी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या गिवेन है बच्चों, इसको भी देखते हैं। यह गिवेन बच्चों फिर y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, u बाई वी का, d डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल टू, क्या हम लोग करते हैं v को बाहर कर लेते हैं u का डिफ्रेंसिएशन माइनस, वाले नीचे वाले को बाहर करते हैं ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस, अभी से बाहर कर लेंगे v का डिफरेंसिएशन अपान v स्क्वायर, यहां से क्या हमको मिल जाएगा बच्चों, d dx ऑफ y इक्वल टू cos x को cos cx प्लस d बाहर हो गया, d dx ऑफ sin ax प्लस b माइनस, अब इसको बाहर कर लेते sin ax प्लस b को ए एक्स प्लस बी एंड डी डी एक्स आप बच जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका डिफरेंशिएशन अपान जो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके बाद अभी साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ए आ जाएगा एक्स का वन हो जाएगा और ए बी का जीरो हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अभी अभी हम लोग किसका डिफरेंशिएशन किए कॉस का, एंगल का करेंगे तो क्या आ जाए बच्चों यहां पे सी हो जाएगा एक्स का एक हो जाएगा और डी का जीरो, अपान यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा यहां से, तो कॉस सी एक्स प्लस डी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी, और इस ए को चाहे तो पहले कर सकते हैं या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, सी को चाहे तो पहले कर लें साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपान, क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों यहां पे कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू यू को बाहर करेंगे वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को बाहर करेंगे यू का डिफरेंशिएशन, यहां से क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव प्लस अगेन साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव कर लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पर फाइव
का होल स्क्वायर, यहां का होल स्क्वायर मतलब पूरे साइन पर स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स पर फाइव। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अभी कॉस का चैन रूल से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर पहले आ जाएगा, पावर क्या है टू साइन एक्स पर फाइव और पावर वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वन बचेगा। अभी पावर का डिफरेंशिएशन, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, साइन एक्स पर फाइव, ये माइनस पहले कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स पर फाइव इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों टू एक्स। तो यहाँ से फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो टू पहले कर लेते, टू कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स पर फाइव और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पर फाइव। अभी साइन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद एक्स पे फाइव का डिफरेंशिएशन फाइव एक्स पर फोर हो जाएगा और माइनस टू एक्स हो चाहे तो पहले कर ले, साइन स्क्वायर एक्स पर फाइव और साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, चाहे तो फाइव एक्स को पहले कर सकते हैं तो फाइव टू द टेन हो जाएगा, टेन एक्स पर फोर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स पे फाइव कॉस एक्स पे फाइव। इन दोनों को चाहे तो एक साथ लेकर के साइन टू ए का फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन नंबर क्वेश्चन गिवन है वाई इक्वल टू टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, टू कॉट एक्स स्क्वायर गिवेन है। तो जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे यहाँ पे तो दो को बाहर कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ इस रूट का मतलब हुआ कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर वन बाई टू, रूट का मतलब क्या हो बच्चों वन बाई टू। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो टू पावर पहले आ जाएगा, पावर कितना है वन बाई टू। अभी पावर का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका बच्चों, पावर में से वन सब्सट्रैक करा दें, पावर पहले आ जाए पावर में से वन सब्सट्रैक कर देंगे, पावर के डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग कॉट ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट ए एक्स स्क्वायर पर माइनस वन बाई टू और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस एक स्क्वायर और ये एंगल एक्स स्क्वायर है। अभी कॉट का डिफरेंशिएशन हुआ डी डी एक्स आप किसका करेंगे ए एक्स स्क्वायर का, तो इस माइनस को चाहें तो पहले कर लें माइनस इसे वन अपान कर दें ताकि ये प्लस हो जाए कॉट एक्स स्क्वायर पर वन बाई टू और ये यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा टू एक्स, तो ये माइनस पहले कर लिए एक्स स्क्वायर टू एक्स पहले कर लिए कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस वन बाई टू है जब नीचे जाएगा तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा तो माइनस टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वन बाई टू को हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बच्चों रूट कॉट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या गिवेन है, क्वेश्चन नंबर एट गिवेन बच्चों वाई इक्वल टू कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स तो क्या फाइंड कर लेते पहले डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्या करेंगे इसे रूट एक्स। अभी कॉस का डिफरेंशिएशन अब चैन रूल से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स पावर पहले आ जाएगा और पावर में से वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से बच जाएगा माइनस साइन रूट एक्स वन बाई टू एक्स पर माइनस वन बाई टू, पहले कर लेते हैं इसको माइनस वन बाई टू साइन रूट एक्स और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों एक्स पर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू साइन रूट एक्स इंटू वन अपान रूट एक्स, इसे लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स अपान टू रूट एक्स, टू रूट एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन,
क्वेश्चन नंबर 9 होगा बच्चों यहाँ पे, सिद्ध प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, कर एक्स इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग यहां से, सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, तो जो मोड के भीतर फंक्शन दिया रहता है उसे जीरो बना देते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएगा सोल्यूशन में, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, ये जो वन होगा एक्स इक्वल टू, यही क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसके लेफ्ट में और राइट में देख लेते हैं, तो हम लोग लेफ्ट में जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, जब मॉड हटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब मॉड हटता है तो क्या होता है बच्चों, माइनस, इसको चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वन प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू वन के राइट में, तो यह एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्या जो बच्चों, एक्स माइनस वन। तो अगर एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूटी दिखाना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूव करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक वस्तु क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ क्या लिखेंगे, वन पे फाइंड करना है तो वन माइनस एच माइनस एफ वन अपान, सेम यही लिख देते हैं, वन माइनस एच माइनस वन। अगर एक्स इक्वल टू वन पे हमें डिफ्रेंसिबिलिटी दिखाना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, अगर यहाँ पे ए रहता तो ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान, सेम यही लिख देते हैं, वन माइनस एच माइनस वन, या और यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, एफ वन माइनस एच है, वन माइनस एच मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वन माइनस एच हो जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चों, वन माइनस एच लिख देंगे। डायरेक्टली हम लोग इसमें भी रख सकते हैं या यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स के प्लेस पे, जब एक्स है तो एक्स है, जब यहाँ पे वन माइनस एच होगा तो भी वन माइनस एच हो जाएगा, तो वन माइनस एच और यह माइनस एफ वन, एफ वन की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इसी में वन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जीरो हो जाएगा। एफ वन की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और यहाँ से नीचे बच जाएगा माइनस एच, क्या बचेगा बच्चों, माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से वन माइनस वन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपान माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस वन, इसका मतलब ये माइनस वन आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा यहाँ पे वह माइनस वन आएगा। अब जरा राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, क्या बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना ऑब्टेंड होगा, तो यहाँ से फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, किस पे फाइंड करना है, वन पे, तो क्या लिखेंगे, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपान, क्या कर देंगे, वन प्लस एच माइनस वन। अभी जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिखे थे तो वन माइनस एच था, राइट हैंड लिखेंगे तो वन प्लस एच माइनस एफ वन अपान, सेम यही लिख देंगे, वन प्लस एच माइनस वन, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। अब इसके राइट में जाते हैं वन के, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहेगा, और जब वन प्लस एच हो जाए तो क्या हो जाए बच्चों, वन प्लस एच हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस एच माइनस वन, इसमें रख रहे हैं वन प्लस एच, यहाँ पे वन प्लस एच तो ये भी वन प्लस एच और ये माइनस वन अपने प्लेस पे, और माइनस एफ वन, एफ वन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो अपान कितना हो जाए बच्चों, नीचे एच, क्या हो जाएगा, एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ से बच जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच माइनस वन अपान एच, वन वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ बच जाएगा एच अपान एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और ये बचेगा वन इक्वल्स टू वन। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया बच्चों, वन आया।
राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1, दोनों इक्वल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है बच्चों, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3, या केवल एक्स इक्वल टू 1 और 3 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बल्कि जितने भी इंटीजर पॉइंट होंगे उन पर यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर 1, 2, 3, 4, 5 दे दे, 0, -1, -2, -3 जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन किसी पर भी यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पर देखते हैं, 8x इक्वल टू 1, क्या बच्चों 8x इक्वल टू 1, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f 1 अपान, क्या लिखेंगे आप बच्चों 1 माइनस एच माइनस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, जब x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 माइनस h, तो यहां पर भी क्या पुट कर देंगे बच्चों 1 माइनस h माइनस f 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपान 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस h हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो 1 रहेगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99 हो जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे h एक पॉजिटिव नंबर रहता है 1 माइनस h, अगर h हम लोग एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो माइनस 0.01 ही ले लेते हैं h की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे h अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0, तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो 0.99 ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं हटेगा ये साइन नहीं हटेगा तब तक हम लोग इसकी लिमिट नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 1 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0. something आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस एच क्या होगा बच्चों 1 माइनस एच जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस 1 अपान माइनस एच, क्या हो जाए बच्चों माइनस एच, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच बचेगा, क्या बचेगा 1 बाई एच अनडिफाइंड होगा, 1 बाई 0 क्या हो जाए बच्चों अनडिफाइंड, और अगर अनडिफाइंड हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ना होने का मतलब हमको मालूम नहीं होगा कितना होगा, तो हम राइट हैंड लिमिट अब फाइंड नहीं करें, क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही हमको मालूम नहीं कितना होगा तो राइट हैंड लिमिट से हम इसका कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड न होने के कारण डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 2 दिया है, क्योंकि 3 छोटा है, x इक्वल टू 2 पर 8, x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, अगेन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपान, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 2, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं ग्रेटर, अब एफ 2 माइनस एच है, यहाँ पे जब एक्स रहेगा तो एक्स रहेगा और 2 माइनस एच यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाए बच्चों 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच माइनस, जब एफ 2 तो यहाँ पे 2 तो यहाँ भी क्या हो जाए बच्चों 2 अपान 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितना होगा बच्चों 2, लेकिन 2 माइनस एच अगर फाइंड करें तो 2 माइनस 0.01 हो जाएगा, समथिंग होगा ऐसे, तो जब 2 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1.99 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, 1.99 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1, सॉरी ये 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एच,
इक्वल्स टू माइनस वन अपान माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो वन पाई जीरो अनडिफाइंड हो जाए, क्या बच्चों अनडिफाइंड। अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो गया तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है।